हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो कैसा रहा हमारा आज का दिन इन कोलकाता, ये देखने के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड। सो गई थी किकी की गुड मॉर्निंग, और ये देखिए खेल रही है अपने मामू के साथ। ये बात बिल्कुल सच है कि जब आप नानी घर आ जाओ ना, तो आपको अपने बच्चे की इतनी टेंशन नहीं होती। मामा, मामी, नाना, नानी सब उसका ध्यान रखते हैं। और ये देखिए, रॉस ने आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर दिया था। ये इतना अपने आप को स्क्रैच करता है क्योंकि उसका फेस बहुत ड्राई है, तो उसका जो राइट आई है, उसका जो कॉर्नर होता है हमारा रेड कलर का, वो थोड़ा सा बाहर आ गया था, जिसे अब चेरी रेड आई भी कहते हैं। तो फिर हमने क्या किया, हमने पेशेंटली थोड़ी देर उसको आईज़ को क्लोज रखा, एंड फाइनली वो ठीक हो गया। फिर हमने उसको बहुत देर तक ऑब्जर्व किया कि कहीं वापस से कुछ ना हो जाए, एंड ही वॉज़ एब्सोल्युटली फाइन, ही वॉज़ प्लेइंग। तो फिर हमने उसे छोड़कर हम निकल गए हमारे घर के लिए। जी हाँ, हम जा रहे हैं मेरे घर, जो कि मेरा और नीलू का घर है, एंड किकी को आज हम वो घर दिखाना चाहते हैं। तो बस हम निकल गए घर के लिए। मम्मी, शुभम, भैया किकी को प्राम में लेकर चले गए लिफ्ट से, और मैं गई सीढ़ियों से, बिकॉज लिफ्ट में जगह नहीं था। सो अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं गाड़ी का। आज किकी को हम फर्स्ट टाइम वो घर दिखाने वाले हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। उस घर से हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़े हैं, क्योंकि शादी होने के बाद फर्स्ट टाइम हम और नीलू उसी घर में एक साथ रहने गए थे। तो बस देखिए, अब हम आ गए हमारे घर, जो कि किकी का भी अब से घर है। एक्चुअली ये घर हमने 2019 में बुक किया था, और 2020 में ये हमें मिला। और मेरी और नीलू की शादी भी 2020 मई में हुई थी ड्यूरिंग कोविड, बट हमें ये घर 2020 के सितंबर में मिला। तो मई से लेके सितंबर तक हम और नीलेश अलग अलग अपने घर में ही रहते थे, और उसके बाद सितंबर में हम फाइनली इस घर में एज अ मैरिड कपल आए। तो इसीलिए ये घर हमारे लिए बहुत स्पेशल है। ये घर है तो बहुत छोटा सा 2 BHK, बट हमारे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, हम इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं इस घर से। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं किकी को आकर ये घर ज़रूर से दिखाऊं। वैसे इस घर की हालत थोड़ी बुरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो चुके हैं इस घर में कोई नहीं रह रहा है, तो थोड़े से ब्लाइंड्स टूट गए हैं, घर थोड़ा बिखरा पड़ा है, और बस। तो इसे मैं अभी जल्दी जल्दी साफ़ कराऊंगी। और ये किकी को मैं दिखा रही हूँ उसका बेडरूम, जो कि अब से किकी का भी बेडरूम कहलाएगा। सो हमारे घर से व्यू बहुत ही प्यारा है। हमारा जो घर है वो 19th फ्लोर पर है, तो यहाँ से सनसेट बहुत ही प्यारा दिखता है। और ये जो सारे पेंटिंग्स आप देख रहे हो, ये हमारा एक फ्रेंड है सिरिल, वो हैंड पेंट करता है, और वो हमारे एनिवर्सरीज और हमारे बर्थडेज में ऐसे ही हमारी पेंटिंग्स बना के हमें गिफ्ट करता है। और ये देखिए किकी अपने घर पर आकर कितनी खुश है और कितना इंजॉय कर रही है। सो गाइज़, ये देखिए अब हम कर रहे हैं मेरे कपड़े पैक, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे, तो हम इसीलिए यहाँ से सारे कपड़े अब लेकर जाएंगे मम्मी के घर। तो मम्मा उसी में हेल्प कर रही थी, फिर हम निकल गए घर के लिए। और देखिए, घर पहुँचे तो हमने देखा छोटे मामू ऑलरेडी आ चुके हैं, और वो वेट कर रहे थे कि किकी कब आएगी और उनसे कब मिलेगी। सो ये देखिए, फिर आकर मम्मा ने हेल्प किया मेरी पूरी अनपैकिंग करने के लिए, हेल्प किया मम्मा ने ही पूरा मेरे कपड़े सेट किए। और बहुत ही फनी चीज़ आपको दिख रही होगी, जिसपे सूट्स एंड ब्लेजर्स के कवर होते हैं ना, मैं उसमें आज सारे कपड़े लेकर आई थी, क्योंकि मुझे कोई भी बैग्स नहीं मिले थे। और बस फिर किकी का हो गया था मसाज, और किकी सो चुकी थी। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, 22nd Jan, जो कि बहुत ही स्पेशल डे था पूरे इंडिया के लिए। और ये देखिए, किकी का हो गया था मसाज, और किकी हो गई थी रेडी। और इधर मनीष ट्राई कर रहा है आज उसके बालों को सेट करने के लिए, बोल रहा था आज मैं पूरे सेट कर दूंगा, बट वो भी फेल हो चुका, और उसके बाल इसी तरीके से टर्न एंड कर्ल रहते हैं। सो फिर देखिए, भैया ने आज कराया किकी को अयोध्या का पूरा लाइव दर्शन। वो दिखा रहे थे कि देखो आज किस तरीके से हमारे राम जी आ गए हैं फाइनली घर, और उनकी किस तरीके से गर्भगृह में पूजा हो रही थी, और फिर फाइनली उनकी मूर्ति की हुई दर्शन। और ये देखिए, मैंने किकी के लिए मंगाया डायपर पेल, जिसमें आप बच्चों के जो डायपर्स होते हैं उन्हें अच्छे से डिस्पोज कर सकते हो। एक्चुअली मैंने अमेज़न में देखा था, जो डायपर पेल्स होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव आते थे, बट दिस इज़ वेरी चीप। ये देखिए, ऐसे ब्लेड लगा होता है नीचे, जो आपका गार्बेज बैग होता है, आप उसे निकाल कर इसमें इस तरीके से काट कर आप उसे वापस से ट्रैश कर सकते हो, और फिर न्यू बैग को नीचे से आपको वापस से नॉट टाई कर देना है, एंड यू कैन यूज़ इट। देखिए कितने अच्छे से पूरा सिल्ली पैक्ड है। इस तरीके से दो जो डॉट्स हैं, आप इन्हें प्रेस करोगे तो वो ऊपर का पूरा सेक्शन बाहर आ जाएगा,
और ये देखो अंदर में ही सारे गार्बेज बैग्स लगे हुए हैं, जिससे कि आपने एक बार पूरा जो आपको डिस्पोज करना है वो पैकेट निकाला, ब्लेड से काटा और हटाया और फिर नीचे से फिर से टाई कर दिया। तो ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है और बहुत ही यूज़फुल है, जिससे कि पूरे रूम में डायपर्स के स्मेल नहीं होते हैं। सो ये देखिए गाइस, जब से मैं कोलकाता आई हूँ मैं किकी को ज़्यादा बाहर नहीं निकाल रही थी, तो आज मैं उसे बालकनी में लेकर गई और मैंने कराए राम जी के झंडा के उसे दर्शन जो हमने लगाया था आज सुबह ही। फिर हो गई थी शाम और ठंड बढ़ गई थी, तो मैं किकी को अंदर ले आई और फिर किया मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड विद हर, बट उसका ध्यान ऑल द टाइम सिर्फ कैमरा पर ही था। फिर भैया और पापा आ चुके थे तो हमने मनाई दिवाली, क्योंकि आज तो राम जी आए थे, आज हमारी थी एक्चुअल में दिवाली। तो हमने इस तरीके से इस दिन को किया प्रॉपरली सेलिब्रेट, और मैंने किकी को भी कराया राम जी का दर्शन, और फिर बस हम लग गए दिया जलाने में और हमने पूरे घर को जगमग कर दिया और हमने बहुत अच्छे से पूजा किया और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। हमने इस तरीके से टीवी में ही भगवान जी की मूर्ति लगाकर, राम जी की मूर्ति लगाकर हमने की पूजा, क्योंकि हमारे पास तो कोई तस्वीर थी नहीं और ये बिट्टू भैया का आइडिया था जो कि बहुत ही अच्छा आइडिया था। फिर हमने पूरे घर को दिए से जगमग कर दिया। सो कीकी ने भी इस चीज़ को अच्छे से, ये जो हिस्टोरिक मोमेंट है, इस चीज़ को विटनेस किया है हमारे साथ, एंड ये सच में बहुत ही खुशी का दिन था हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरे इंडिया के लिए। फाइनली हमारे राम जी अब घर आ गए हैं 500 सालों बाद, और देखिए हम वापस से कितने अच्छे से दिवाली मना रहे हैं। अब हो गई थी रात और कीकी का भी हो गया था सोने का टाइम, तो बस इस तरीके से देखिए हमने किया आज पूरा दिन सेलिब्रेट और फिर हम सब सोने चले गए। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।